तो गाइज़ मैंने कभी सोचा नहीं था कि यूट्यूब पर मैं इस टॉपिक के बारे में वीडियो अपलोड करूँगा। तो गाइज़ मुझे इस टॉपिक के बारे में वीडियो अपलोड करना ही पड़ा। तो गाइज़ मेरे यूट्यूब चैनल को बनाने में या स्टार्ट करने में दो लोगों ने मेरी बहुत मदद की है, तो उनको सबसे पहले दिल से थैंक यू। बट उनका नाम मैं अभी यूट्यूब पर नहीं ले सकता। गाइज़ बहुत दिनों से जहाँ भी मैं अपने यूट्यूब चैनल के लिंक को शेयर कर रहा हूँ, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, तो वहाँ से मुझे बस एक ही कमेंट देखने को मिल रहा है, भाई पहले तू हिंदी बोलना सीख, तुझे हिंदी कौन सिखाया, पहले तू हिंदी बोलना सीख उसके बाद यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कर। तो उन लोगों को मैं बस एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, तो हर कोई किसी ना किसी चीज़ में पीछे रह जाता है, ठीक है। तो गाइज़ मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूं और मैं ज़्यादातर गढ़वाली में बात करता हूं। बट जब भी मैं हिंदी में वीडियो को रिकॉर्ड या एडिट करता हूं तो मेरे मुंह से गलती से गढ़वाली लैंग्वेज निकल जाती है, जिससे हिंदी और गढ़वाली का टोन एक अलग ही लेवल का बन जाता है, मतलब अलग ही लेवल पर रिकॉर्ड हो जाता है वो। बट हाँ, उनको एक जवाब तो मिल ही गया होगा कि जिस वीडियो के लिंक पर वो इतना कमेंट कर रहे थे कि पहले हिंदी बोलना सीख उसके बाद वीडियो अपलोड करना। तो गाइज़ इस टॉपिक को साइड में रखते हैं, और जो मेरी इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड की थी जिसका टाइटल था चलो रुपए करने, तो उस पर लगभग 3 दिन में 1.4K व्यूज़ आ चुके हैं। तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी मेरे व्यूज़ बढ़ेंगे। सब्सक्राइबर पर तो इफ़ेक्ट पड़ा है, बट व्यूज़ तो कुछ ज़्यादा ही बढ़ चुके हैं। तो ये वीडियो, मतलब इस पे इतना ज़्यादा वो कैसे व्यूज़ आ गया, तो इसको भी अभी मैं रिसर्च कर रहा हूँ उसके बारे में। कई दोस्तों ने मेरे बोला कि हमने यार तेरी वीडियो को शेयर किया या ग्रुप में सेंड किया, तो उसके कारण। तो कोई नहीं, आप सभी को थैंक यू, तो आगे भी मुझे सपोर्ट करते रहना। अब मुझे एक टॉपिक मिल चुका है जिस पर मैं वीडियो अपलोड कर सकता हूँ, मतलब जिस टॉपिक पर अभी इतने व्यूज़ आ चुके हैं, तो उस टॉपिक पर मैं वीडियो अपलोड करूँगा। तो प्लीज़ आप मेरा साथ देना और सपोर्ट करना। थैंक यू।